हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि बहुत दिनों से कॉलेज का रिव्यू नहीं किया है, तो इस वीडियो में हम कॉलेज का एक रिव्यू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो जानेंगे इस कॉलेज की सभी खास बातों के बारे में, जैसे आप इस कॉलेज में अपना एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इस कॉलेज का प्रोसीजर रहता है, कैसे डायरेक्ट एडमिशन इस कॉलेज में आपका हो जाएगा, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए और प्लेसमेंट सेल कैसे काम करता है, तो इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको सिर्फ गेट एडमिशन पे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये कॉलेज 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। और अगर बात करें इस कॉलेज की लोकेशन के बारे में, तो बकोली HMRIT रोड हमीदपुर न्यू दिल्ली में ये कॉलेज लोकेटेड है। तो काफ़ी अच्छी जगह पे ये कॉलेज लोकेटेड है। और कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो इस कॉलेज में आपको UG और PG दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस कॉलेज की कुछ एफिलिएशन अप्रूव्ड के बारे में। तो AICTE से ये कॉलेज अप्रूव्ड है। और बात करें एफिलिएशन की, तो GGSIPU यानी IP यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ये कॉलेज हमारे लिए अच्छा होगा नहीं होगा, इसका कैसा एजुकेशन सिस्टम होगा, कैसी पढ़ाई होगी। तो जी हाँ, ये कॉलेज आपका IPU से एफिलिएटेड है, तो इसका एजुकेशन सिस्टम भी IPU से ही आता है, यानी सिलेबस IPU का होता है, आपकी एजुकेशन अच्छी ही प्रोवाइड की जाती है। तो अब बात करते हैं आप इस कॉलेज में अपना एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इस कॉलेज में काफ़ी सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, आप ये आप लोगों को पता ही है, जैसे BTech, MTech, MCA, MBA। तो इन कोर्सेज में आपका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो जाता है, यानी JEE मेन, CAT, CMAT और जैसे IQCH के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो इस कॉलेज में एक्सेप्टेड है। आप इन एग्जाम्स को देके अपना एडमिशन इस कॉलेज में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कुछ फीस स्ट्रक्चर, यानी जोन जोन से कोर्सेज कराए जाते हैं उनका फीस, उनकी एंट्रेंस तो मैंने बता ही दिया है, और क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटेक कोर्स के बारे में। तो बीटेक कोर्स में आपकी इस कॉलेज में 1,15,000 पर ईयर की फीस रहने वाली है। और एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए 12th में, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और IPU CAT और JEE मेन के एग्जाम के थ्रू आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं MCA कोर्स के बारे में। MCA की भी आपको इस कॉलेज में फीस ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। और बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो आप 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए MCA के लिए, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। MBA की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल का जो ये कोर्स होता है, इसमें 1,04,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको पर ईयर की फीस देखने को मिल जाती है। और बात करें एलिजिबिलिटी की, तो 50% से वो आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और IPU CAT के एग्जाम के थ्रू आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो अब आप बोलोगे कि भैया हमें पता है इसमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि हमारा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी इतनी रैंक नहीं आई है, या फिर कोई और बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आप इस कॉलेज में अपना डायरेक्ट एडमिशन भी करवा सकते हैं। वो आप करवा सकते हैं गेट एडमिशन के थ्रू। जी हाँ, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, गेट एडमिशन एक ब्रांच है जो आपका डायरेक्ट एडमिशन कराने में आपकी हेल्प करती है और आपका मनपसंद कॉलेज आपको दिलाती है। स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें, या फिर व्हाट्सएप लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपने डाउट पूछ सकते हैं और अपना एडमिशन बुक करा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ प्लेसमेंट सेल के बारे में। यानी प्लेसमेंट एक कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। आप सभी के अकॉर्डिंग इस कॉलेज का हाइस्ट पैकेज 12 लाख पर एनम तक अभी तक गया है, और एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ तो 4 लाख पर एनम यहाँ का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। और टॉप कंपनीज की मैं बात करूँ तो एसेंचर, अमेजोन, IBM, बायजूस, विप्रो, इन्फोस, ये सभी कुछ टॉप कंपनियाँ हैं इस कॉलेज की, जो हर साल प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आती रहती हैं इस कॉलेज में। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा देखने को लगता है, आपने फोटोज़ के थ्रू देख भी लिया होगा, काफ़ी अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी कूल वाइब्स देता है, पॉजिटिव वाइब्स आपको पढ़ने में मिलेगी। IPU से एफिलेटेड है, तो जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप बेफिक्र होकर इस कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं। और फैसिलिटीज़ की अगर मैं कुछ बात करूं तो लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है, कैफेटेरिया आपको देखने को मिल जाता है, और मेडिकल रूम आपको यहाँ पे अवेलेबल है अलग से। तो आपको अगर एट द एंड बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, तो आपको यहाँ माइनॉरिटी बेस्ड स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाती है और स्टेट फंड बेस्ड स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। तो इन शॉर्ट यानी समअप में अगर मैं बताऊं तो ये कॉलेज आप लोगों के लिए एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है,
आप इस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, या तो आपको बीटेक करनी है, एमसीए करनी है, एमबीए करनी है, आप इस कॉलेज को अप्रोच करके अपना जो कोर्स है उसको एक बेहतरीन लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये एक अच्छा कॉलेज है, आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट एडमिशन इस कॉलेज में अपना करवा सकते हैं गेट एडमिशन के थ्रू। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाना है तो देर किस बात की है, कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आपसे मुलाकात होती है अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जरूर जाना।